छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई, एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब अमित शाह आते हैं तभी ईडी की कार्रवाई होती है, बीजेपी को इसे स्पष्ट करना चाहिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है, ईडी की कार्रवाई कई महीनों से चल रही है, गृह मंत्री तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं, ईडी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। साथ छत्तीसगढ़ आते हैं उसी के दो तीन दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई होती है, ये क्रोनोलॉजी है या संयोग है या दुर्योग है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। ईडी की कार्रवाइयां कई महीनों से चल रही है छत्तीसगढ़ में, कोयले घोटाले के उजागर करते से लेकर लगातार चल रही है। गृहमंत्री जी तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की है। इस बैठक के जरिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की गई, साथ ही अगस्त में पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी चर्चा की गई। पीएम मोदी के अगस्त में रायगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। वहीं बीजेपी की हो रही लगातार बैठकों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि बीजेपी के विविध कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, विधानसभा स्तर की बैठक हो रही है। राज्य के कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाने का एकमात्र लक्ष्य रखा है। वहीं भाजपा के चुनाव अभियान समिति पर साव ने कहा कि हमने घोषणा पत्र समिति बना दी है, कई समिति जल्द घोषित होंगी। पार्टी ने बनाई है उन सब कार्यक्रमों की योजना रचना के दृष्टि से लगातार बैठकें चल रही है। लक्ष्य केवल एक है, राज्य में जो कांग्रेस पार्टी की अन्यायी, अत्याचारी, वादा खिलाफी करने वाली भ्रष्टाचारी सरकार है, उस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाकर छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुशहाली की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े, इसकी योजना रचना